लाखों करोड़ रुपए डूब गए, क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया जब पूरे देश में कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है। के पाठक का यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के दौरान का है, जिसमें वह कहते हैं कि बिना माँ बहन किए किसी को अक्ल ही नहीं आती है, उल्लू का पट्टा, इडियट गधा। के पाठक का कोऑपरेटिव को लेकर मीटिंग कर रहे थे, इसी में कहते हैं हटाओ साले सभी कोऑपरेटिव को, इसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए, इसलिए इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और 17 राजनीतिक दलों ने मिलकर आज ये फिर तय किया है कि हमें केवल रूल 267 के अंतर्गत ही चर्चा करना है। अगर माननीय सभापति महोदय, हम जब 267 की मांग कर रहे हैं तो आप ही हमें बता दीजिए कि कैसे ऐसे विषय हैं जो कि 267 में एक्सेप्ट करेंगे। जैसा कि मेरे मित्र केशव राव जी ने कहा कि हमारे नोटिस में क्या गलती है, कहां खोट है, ये तो हम बता दीजिए। उसका उन्होंने पत्र लिखा, उसका भी उनको जवाब नहीं दिया। केवल एक व्यक्ति को जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम जब तक नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।